हाँ, तो कल हमारा लास्ट एग्जाम है, उसके बाद हमारे सारे एग्जाम्स खत्म। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए दोनों रेडी हैं, अभी इनके चल रहा है एग्ज़ाम, सेकेंड लास्ट एग्ज़ाम है, इसीलिए सूर्या बहुत खुश हो रहा है कि अभी एक एक एग्ज़ाम और है बस। और गाइस यहाँ मैं बना रही हूँ चाय, और यहाँ पे ये चाबी भूल गए थे अपनी बाइक की, क्योंकि ये भी ऑफिस जा रहे हैं अभी, तो यहाँ से मैं अभी ऊपर से ही चाबी पकड़ा रही हूँ इनको। और ये बस गाइस अभी जो डेली का काम होता है वही करूँगी, यहाँ पे सोफ़ा वगैरह जचाऊँगी, यहाँ पे कपड़े भी मैंने घड़ी कर दिए हैं। बस गई आज परमेश अक्का जल्दी आ गई हैं, तो वो बर्तन धो रही है, तो बर्तन धोने के बाद वो झाड़ू पोछा करेंगी अभी। गई यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैंने ये जो भी कपड़े हैं इसमें से आधे से ज़्यादा तो प्रेस करने वाले हैं, तो प्रेस करने वाले रखे हैं, और थोड़े कुछ हैंड टॉवल वगैरह है। थोड़ा बहुत बच्चे जाते हैं तो कचरा वचरा डाल के चले जाते हैं, तो वही साफ़ करती हूँ सबसे पहले, उसके बाद ये झाड़ू पोछा कर लेगी परमेश्वर अक्का, और मैं यहाँ पे तो फिर क्लीनिंग कर ये बाकी का काम कर लूँगी, जैसे कपड़े हैं ये सब लगा दूँगी बाद में। गाइस हॉल में तो पोछा लग चुका है, और अभी जो है परमेश्वर अक्का जो दूसरे रूम में लगी हुई है पोछा मारने में। बस गाइस परमेश्वरी के जाने के बाद मैंने पूजा की है, क्योंकि मैं नहा तो सुबह ही ली थी, और अभी पूजा करके अभी सभी तुलसी में और पेड़ों में पानी डाल रही हूँ यहाँ पे। गाइस बच्चे स्कूल से आ गए हैं दोनों। गाइस खाने में मैंने बनाया रायता, आलू और गोभी की सब्ज़ी और चपाती, और बच्चे भी आ गए हैं, तो बच्चे और हम सब साथ में खाना खा रहे हैं गाइस अभी। गाइस हम आए ऊपर में, और भूमि तो हमारी जो है पढ़ाई हो चुकी है, तो शाम को सनसेट अच्छा था हो रहा था, तो मामा ने हमको परमिशन दे दी, तो हम हाँ तो कल हमारा लास्ट एग्जाम है, उसके बाद हमारे सारे एग्जाम्स खत्म, और सेवन्थ क्लास कल हमारा लास्ट डे, और हम जो है स्कूल में केक कट करने वाले हैं, तो कल फोन अलाउड है हमारी स्कूल में, तो अगर होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। बोलो मैं भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैं यूकेजी में थी, और गाइस मैं जाने वाला हूँ एट्थ में, तो चलो अभी हम खेलते हैं। गाइस हम लोग रेडी हैं, भूमि 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 भूमि, ये पागलों का टीचर चली जाती है।
अब मैं कर रही हूँ संध्या की आरती और बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, तो बस आरती करने के बाद मैं भी ऊपर जाऊँगी। छत पे आ गई थी मैं संध्या की आरती करने के बाद, और यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देख रहे हैं आप कि पेड़ कैसे हिल रहे हैं, बहुत अच्छी, क्योंकि नीचे तो एकदम गर्मी हो रही है और यहाँ ऊपर आने के बाद पता चला बहुत ठंडी हवा चल रही है। और देखिए गाइस कितना सुंदर लग रहा है, शाम का टाइम है, 6:30 हो रहे हैं, लेकिन देखिए मौसम मतलब बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखिए गाइस पक्षी भी अपने पेड़ों पे जाने लग गए हैं, मगर हमारी भूमि नहीं मान रही। और अचानक से ये देखिए गाइस यहाँ पे बाइक के ऊपर ये लोग आए हैं दवाई छिड़कने वाले, जो कि मच्छर कीटाणु वीटाणु जो भी होते हैं ना उससे मर जाते हैं। तो ये देखिए पूरी स्ट्रीट में, मतलब पूरे स्ट्रीट में ये फैला रहे हैं धुआं धुआं, तो इससे जो भी मच्छर वगैरह कीड़े वगैरह मर जाएंगे। गाइस काफ़ी अंधेरा हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही, तो अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे। देखिए पीछे लाइटें भी चालू हुई सब जगह। गाइस मैंने भी लाइट ऑन कर दी है छत की, क्योंकि भूमि बोल रही है मैं नीचे नहीं जाऊँगी, अभी डैडी नहीं आए हैं ऑफिस से, तो वो यहीं पे खड़े खड़े वेट कर रही है और मुझे भी यहाँ पे बिठा रखा है। सूर्या नीचे जा चुका है क्योंकि उसका कल एग्ज़ाम है, बस लास्ट एग्ज़ाम है तो वो पढ़ाई करने के लिए गया है। और भूमि देखिए यहीं दीवार के पास खड़ी है। तो गाइस अब मेरे कल जो है एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं, और बहुत सारी मूवीज़ आ चुकी हैं नेटफ्लिक्स पे, लेकिन मेरे मॉम डैड जब तक एग्ज़ाम है वो अलाउ नहीं करते मुझे देखने नेटफ्लिक्स। तो अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो देखते हैं मामा अलाउ करते हैं कि नहीं। चलो मामा आपसे एक चीज़ पूछनी थी, आपको एक चीज़ पूछनी है, क्या आप हाँ करोगे? अब मेरे एग्ज़ाम होने वाले ख़त्म है ना, तो अब मैं हो गया फ्री, सो कैन आई वॉच मूवीज नेटफ्लिक्स पे? ओनली टू मंथ्स। सो गाइज मम्मा ने बोल दिया सिर्फ प्राइम वीडियो, नो नेटफ्लिक्स, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे बहुत मूवी आ चुकी है यार, मुझे देखनी है। तो चलो डैडी को पूछते हैं, लेकिन कैसे भी करके मैं मम्मा को मना लूँगा, एंड आई विल प्रे दैट मम्मा मान जाए। ऊपर से आके गाइज मैंने अपने लिए बनाई चाय और साइड भी मैंने चढ़ा दिए चावल। गाइज ये देखिए मैं बना रही हूँ सांभर, तो ये है ड्रमस्टिक, ये है ऑनियन, ये देखिए कितने छोटे छोटे प्याज हैं यहाँ पे बहुत छोटे छोटे प्याज मिलते हैं, ये जो है स्पेशल सांभर के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे। और टमाटर, और ये है बैंगन, इससे मैं बनाऊँगी सांभर। आज बीन्स नहीं है, बीन्स ख़त्म हो गई है, तो बस ड्रमस्टिक से ही काम चलाएंगे और थोड़ी इमली डाल देंगे। और ये है पूरा सामान, अभी मैं बना लेती हूँ सांभर। गाइस सांभर बन के रेडी है और आज का डिनर यही होगा हमारा, सांभर है, राइस है, पापड़ है, रोटी है, बस गाइस खाने में आज इतना ही है। और बस गाइस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।